हेलो व्यूअर्स, दिस इज फरजीन। वेलकम टू फरजीन्स फूड मैजिक। आज की हमारी रेसिपी बहुत ही झटपट बनने वाली मजेदार सी चिकन पुलाव की रेसिपी है। तो सबसे पहले हम तेल गरम कर लेंगे और उसमें डालेंगे दालचीनी, लौंग, हरी इलायची, काली इलायची और कुछ काली मिरी, और साथ ही हम एक कांदा भी इस तरीके से स्लाइस कर इसमें डाल देंगे। थोड़ी देर के लिए हम इसे अच्छे से भून लेंगे। कांदे का कलर जो है वो अब चेंज होने लगा है, तो अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून शाही जीरा और 3 हरी मिर्च स्लिट कर डाल दिए मैंने। आप अपने हिसाब से इसमें तीखे को एडजस्ट कर सकते हैं। इसे हम थोड़ी देर के लिए इस तरीके से भून लेंगे और अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक, से थोड़ा सौते कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे चिकन। मैंने 1/2 kg से थोड़ा सा ज़्यादा चिकन ले लिया है और ये भी हम इसके अंदर अच्छे से भून लेंगे। 5 से 10 मिनट तक हम चिकन को अच्छे से लो फ्लेम पर भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1.5 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसे भी हम अच्छे से सौते कर लेंगे। इसमें मैंने 1 कप मटर ऐड किया है। आप चाहें तो इसमें फूल गोभी या फिर कैप्सिकम भी ऐड कर सकते हैं। और इसमें मैंने 1 कप दही भी ऐड किया है। इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और कुछ देर तक इसी तरीके से पकने के लिए इसे छोड़ देंगे इसी के पानी में। अब हम इसमें डालेंगे 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 1 टीस्पून नमक। नमक जो है वो आपको अपनी चावल की क्वांटिटी के हिसाब से एडजस्ट करना होगा। इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और इसमें अब डालेंगे कसूरी मेथी। इसे मैंने हल्का सा तवे पे रोस्ट करके ले लिया है, इससे बहुत ही अच्छा जायका आएगा। चावल के हिसाब से मैंने इसमें 3 गिलास पानी ऐड किया है। मैंने 1.5 गिलास चावल को पहले से ही भिगो कर रख लिया था। ध्यान रखिए कि जब भी आप पुलाव बनाएं तो चावल को पहले ही भिगो कर रख दीजिए। इन सबको अच्छे से मिक्स करके हम एक बॉईल आने देंगे। पानी में बॉईल आना शुरू हो चुका है तो अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। इन सबको अच्छे से स्टर करके हम एक बॉईल आने तक रुकेंगे। पानी में बॉईल आना शुरू हो चुका है तो इसे हम एक स्टर कर देंगे और उसके बाद ऊपर से धनिया के लीव्स हम इस तरीके से छोड़ देंगे। आप चाहें तो इसमें पुदीना भी डाल सकते हैं। इसे ढक कर सिमर करके अब हम 15-20 मिनट्स के लिए पका लेंगे। 20 मिनट्स बाद पुलाव बनकर रेडी है। आप देख सकते हैं ये कितना मज़ेदार लग रहा है। आइए अब इसकी हम प्लेटिंग करते हैं। ध्यान रखिए कि पुलाव का जो टेस्ट है वो चावल की क्वालिटी पे भी बहुत डिपेंड करता है। मैंने बासमती क्वालिटी ली है। अगर आप चाहें तो आप नॉर्मल क्वालिटी का चावल भी यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आप बासमती यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा बनेगा आपका पुलाव। इसे ऊपर से हम गार्निश कर देंगे। तो देखिए मेरा पुलाव सर्व करने के लिए रेडी है। इसे आप इंजॉय कर सकते हैं रायता के साथ या कचुंबर के साथ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड कीप वॉचिंग फरजीन्स फूड मैजिक। प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। गुड बाय।